सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल 2024 का मैच नंबर 44 जो खेला जाने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में। एंड देखिए, ये जो मैच है ना ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। एंड इस वीडियो में हम स्पेशली ग्रैंड लीग को ही अप्रोच करते हुए चलेंगे। देखिए, स्मॉल लीग की टीम काफ़ी इजली बन जाती है, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बना के भी देते होंगे, लेकिन ग्रैंड लीग की टीम्स आपको खुद से समझ के बनानी पड़ती है। तो स्ट्रेटजीज की हम स्पेशली इसमें बात करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो बने रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। तो देखिए, स्पेशली इसमें आपको तीन टीम्स मिलेगी, एक स्मॉल लीग की हो जाएगी, उसी के साथ प्लेयर इन्फोज मिल जाएंगे, कौन प्लेयर आपको रोटेट करने चाहिए, कौन प्लेयर आपके लिए ट्रंप हो सकते हैं। एंड जो जो दो ग्रैंड लीग की टीम्स रहने वाली है ना, उसमें आपको मिलने वाला है स्ट्रेटजीज एंड कॉम्बिनेशन जो अपनी तरफ से भी आप बना सकते हो। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। एंड उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात, आपको जाकर टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है, कि देखिए लास्ट अगर सारा अपडेट्स एंड जितनी भी टीम्स हम अपनी ग्रैंड लीग की बनाते हैं ना। एंड देखिए, हम एक चीज़ बता दें आपको कि हम 20 टीम नहीं बनाते हैं ग्रैंड लीग की। हम जितनी मेरी समझ रहती है कि जितनी कॉम्बिनेशन जितनी पॉसिबिलिटीज मेरे से बन सकती है, यानी 5 से 6, ज़्यादा ज़्यादा हम 7, 8, 10 तक जाते हैं, उसके ज़्यादा हम टीम नहीं बनाते हैं। एंड वो वेस्ट ऑफ मनी रहती है, सिर्फ फालतू में आप रिस्क लेके अपने पैसे बर्बाद मत करो। जितना आपके माइंड में कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसी हिसाब से आप अपनी टीम बनाओ एंड वहाँ पे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए वहाँ तक जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं या फिर कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है तो वहाँ पर ईजिली कवर हो जाता है। एंड लास्ट तक जितने भी कॉम्बिनेशन हम अपनी बनाते हैं वो भी वहाँ पर आपको हम दे देते हैं। तो ज़्यादा जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हो सके वहीं से आपका कुछ लक चमक जाए, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं मैच की तरफ। मैच में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है पिच रिपोर्ट। एंड देखिए, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जब टॉस हो ना तो जरूर एक बार मैच देखिए, उस समय जो प्लेयर्स आपको बताते हैं ना पिच रिपोर्ट, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐड करता है आपके टीम बनाने में। तो बस जाके एक बार जरूर से वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा जब टॉस हो। और हम अभी फिलहाल बता दे रहे हैं कि देखिए एकनाथ स्टेडियम में मैच होने वाला जो लखनऊ में रहने वाली है, इसकी हिस्ट्री ये है ना कि इस पर चेजिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। तो जो टीम टॉस जीतेगी वो यहाँ पे इजीली बैट फर्स्ट करना पसंद करेगी, एंड स्पेशली अंडर राइट्स और मुश्किल हो जाता है। एंड देखिए, शुरुआती के ओवर्स में यहाँ पे काफ़ी अच्छे रन बरसते हैं, यानी पावर प्ले में काफ़ी अच्छे रन बरसते हैं। उसके बाद स्पिनर्स या फिर जो वेरिएशंस वाले पेसर्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं बैट्समैन को। तो स्पेशली अभी ये चीज़ समझिए कि बैटिंग ट्रैक रहने वाला है, जो टीम टॉस जीत के बैटिंग फर्स्ट करे उसके बैट्समैन को आपको इजीली टीम में भर भर के लेना है। एंड जो अच्छे प्लेयर्स हों, यानी वो नहीं कि कोई भी आयरा वगैरह को ले लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो उनको आपको भर भर के लेना है। कप्तान, वीसी एंड ये सब भी जा सकते हैं, और जो क्वालिटी स्पिनर्स होते हैं ना उनके साथ वीसी यहाँ पे जाना एक अच्छी खासी ऑप्शंस रहेगी, आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि बैटिंग ट्रैक है एंड थोड़ी बहुत यहाँ पे पेसर्स एंड वेरिएशन वाले पेसर्स एंड स्पिनर्स को हेल्प रहने वाला है। डिस्कशन यहाँ पे करते हैं और ड्रीम इलेवन ऐप पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरी तीन टीम रेडी है जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसी के साथ अगर हम बात कर लें यहाँ मैच स्टैट्स की, तो फर्स्ट में आती है यहाँ पे कि टीम का रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है। तो देख सकते हैं आरआर की यहाँ पे लगातार 3 विन है एंड उसी के साथ लखनऊ के सामने में 2 विन है। एंड देखिए, इस मैच में आप ट्रेडिंग करते हैं कौन टीम जीतने वाली है, तो यहाँ पे इजीली आरआर को फेवर कीजिएगा। देखिए उनके जो बैट्समैन है काफ़ी अच्छे फॉर्म में, उनके जो बॉलर है काफ़ी खतरनाक रूप में भी चल रहे हैं, तो ये लखनऊ पे भारी पड़ सकते हैं। एंड एक कॉम्बिनेशन जरूर ट्राई कीजिएगा, ये हम आपको बताएंगे नहीं, कॉम्बिनेशन जरूर ट्राई कीजिएगा कि लखनऊ सॉरी आरआर यहाँ पे एक तरफा विन करे, और एक कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिएगा जिसमें लखनऊ एक तरफा विन करे। देखिए आईपीएल का मैच है भाई, कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं लेकिन वो बाबा जी वाला प्रिडिक्शन नहीं करेंगे कि ये बंदा ऐसा करेगा ये बंदा वैसा करेगा, ठीक है। तो वेन्यू की बात करें तो वेन्यू की बात हो ही चुकी है, अलखना स्टेडियम में मैच होने वाला है। इसकी जो एवरेज स्कोर है ये एक देखने वाला एक चीज़ है कि जो बैटिंग फर्स्ट करती है एवरेज स्कोर कितना मार सकती है, तो 176 तक मार सकती है, यानी 180 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे पेसर्स को 7 विकेट है, स्पिनर्स को 3 विकेट है, यानी पेसर्स यहाँ पे रोल में रहते हैं। उसी के साथ स्ट्रेच रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं, देखिए स्पेशली यहाँ पे दिखाया है कि आरआर 3 बार जीत चुकी है 4 मैच में एंड लखनऊ 1 बार जीती है, तो आरआर को फेवर करते हुए यहाँ पे हम जाएंगे एंड कॉम्बिनेशन भी उसी हिसाब से देखेंगे। तो आगे और कुछ देखने लायक है नहीं, ये सारी चीज़ तो अभी फालतू चीज़ है। तो अभी जल्दी से बढ़ते हैं डायरेक्ट टीम की तरफ, तो हम लोग फर्स्ट बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की तरफ। तो बात कर लेंगे यहाँ पे, ये जो है एक स्मॉल लीग की सेफ टीम है। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं ना वो विकेट कीपिंग सेक्शन में ही भरे हैं। एंड अगर रन के मोस्ट रन की बात कर ले, टेबल टॉप पे चल रहे हैं रियान पराग 318 रन से, उसके साथ यहाँ पे संजू सैमसन की सेकेंड पोजीशन पे है 314 रन एंड उसी साथ केएल राहुल थर्ड पोजीशन पे 302 रन एंड जॉस बटलर भी है लाइन में 285 रन है इनके पास। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो जॉस बटलर आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, संजू सैमसन दोनों काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं, केएल राहुल सिर्फ यहाँ पर परेशान हो सकते हैं ट्रेंट बोल्ट से,
तो आप स्मॉल लीग में चाहे ना ड्रॉप करके जा सकते हैं। वैसे हम ग्रैंड लीग वाले कॉम्बिनेशन में हम इनको ड्रॉप किए हैं एक आध टीम में, लेकिन आप यहाँ पे स्मॉल लीग में भी ड्रॉप करके जा सकते हैं। देखिए ट्रेंड बोल्स इनको परेशान कर सकते हैं, मैचअप भी है इनके साथ। फिलहाल आगे बात करेंगे उसके साथ, यहाँ पे क्विंटन डिकॉक थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकते हैं, वही ट्रेंड बोल थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किल कर सकते हैं इनके सामने। तो आप चाहें तो इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे बदौनी या फिर दीपक हुड्डा को लेके जा सकते हैं टीम में, लेकिन अभी कोई इतना कुछ बात करने की नहीं, हम लोग सेफ टीम की बात कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल समझ रहे हैं कि फुल ऑफ बैटिंग ट्रैक रहने वाले से कारण सारे बैट्समैन को हम यहाँ पे मेंशन करके चलेंगे। बात करेंगे बैटिंग सिस्टम में, तो देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ यशस्वी जायसवाल है जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। हर मैच में इनके अच्छे खासे पॉइंट्स उठ रहे हैं। फिलहाल दो तीन मैच यहाँ पे खराब गया था बीच में, लेकिन प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, आपको टीम में बैक करना चाहिए। और दीपक हुडा हो गए यहाँ पे, एंड यहाँ पे आयुष बदौन, ये दोनों प्लेयर्स हैं जो कि लखनऊ तरफ से अगर आप टॉप ऑर्डर को क्रॉस कराते हैं तो ये आपको स्मॉल लीग में और मिडिल ओवर्स में आकर काफ़ी अच्छा पॉइंट्स देने का दमखम रखेंगे अगर क्लैप्स होती है तो हम अभी इस टीम में क्लैप्स नहीं करा रहे हैं, तो इनको ड्रॉप करके यहाँ पे इजिली जा सकते हैं। बात कर लेंगे यहाँ पे एंड लखनऊ के हम आरआर के हम स्पेशली यहाँ पे सिमरन हिटमैन एंड रोमन पॉल विशन इंग्लिश, देखिए दोनों प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है एंड आरआर पास इतने अच्छे यहाँ पे प्लेयर्स हैं ना कि ये एक तरफा यहाँ पे टॉप थ्री काफ़ी अच्छा पॉइंट्स उठा के दे सकते हैं, रन बना के दे सकते हैं, तो इन दोनों को इजीली ड्रॉप करके यहाँ पे आप जा सकते हैं। बात कर लेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, तो रियान पराग एंड मार्कस स्टोनिस दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहते हैं। मार्कस स्टोनिस भी हैं टॉप सिक्स के लिस्ट में, 254 रन हैं इनके पास एंड बॉलिंग में काफ़ी अच्छी करके दे देते हैं एंड प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं बैटिंग एंड बॉलिंग से, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। आप चाहें यहाँ पे ना तो जब टॉप ऑर्डर क्लास करा रहे हैं तो उन्हीं के साथ यहाँ पे कुणाल पांडे को भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि देखिए बैटिंग से ये भी मिडिल ओवर्स में काफ़ी अच्छा पॉइंट्स दे सकते हैं। तो जो टीम में आप टॉप ऑर्डर क्लास कराएंगे, बदौनी, दीपक हुडा, कुणाल पांड्या, इन तीनों में से आप किसी के साथ रोटेट कर सकते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन बनने के लिए बहुत बन जाएंगे, लेकिन हमको बनाना है स्टैटवाइज में सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे कुणाल पांड्या एंड और किसी पे हम रिक्स नहीं लेंगे। उसके साथ अगर बात कर लें यहाँ पे बॉलिंग सेशन में, तो यूजी चहल टीम में आपको रखना ही चाहिए, हर टीम में आपको ये मिलेगी। देखिए ये एक जो प्लेयर है ना क्वालिटी लाइक प्लेयर है, इनके साथ आप यहाँ पे वीसी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि देखिए हल्की भी सी स्पिन बिल्ड है, ये चलाक बॉलर है, विकेट्स निकालना जानते हैं अपना, काफ़ी अच्छी यहाँ पे विकेट्स निकाल सकते हैं। उसी के साथ बात कर लेंगे ट्रेंड बोल्ट को, हमें फिलहाल ड्रॉप किए हैं, देखिए टॉप ऑर्डर वहाँ पे हम क्लैप्स नहीं कराए हैं एंड टी ओवर्स में इनको ओवर कराया जाएगा, लास्ट में इनको ओवर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखिए संदीप शर्मा एंड यहाँ पे अवेश खान आके यहाँ पे पूरी ओवर्स डालेंगे लास्ट में। तो उम्मीद यही रहेगा कि इनको शुरुआत में पावर प्ले में ही ओवर्स मिले एंड उसमें अगर विकेट्स नहीं मिला ना तो ये फिर एक बेकार एंड वेस्ट पिक हो जाएंगे आपके लिए। तो फिलहाल अब यही समझते हैं कि यूजी चहल रहने वाले हैं, उसी के साथ संदीप शर्मा जो कि प्लेयर काफ़ी खतरनाक है, शुरुआती ओवर्स में या फिर लास्ट के ओवर्स में भी आप विकेट्स काफ़ी अच्छे निकाल सकते हैं। उसी के साथ देखिए हम एक प्लेयर साथ यहाँ पे सियोर नहीं है, यहाँ पर हम इसी साथ ऐसे ही रख लिए थे, लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं ना लास्ट के एक प्लेयर, ये आपको टॉस होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि देखिए हम जो प्लेयर पर सियोर नहीं रहते हैं ना हम उस पर नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि देखिए हम खुद कन्फ्यूज रहेंगे ना तो वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा आपको सामने बताने का कि एक प्लेयर मिले ये टीम में रहने वाले हैं। तो अभी समझिए कि एक प्लेयर यहाँ पे एक शॉर्टेज है, हम आपको टॉस होने के बाद वहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। अभी फिलहाल हम किसी को भी लेके चलते हैं, कप्तान एनवासुद्दीन की बात कर ले, देखिए ये जो टीम रहने वाली ना इसमें सबसे बेस्ट कप्तान का ऑप्शन रहने वाले हैं जॉर्ज बटलर, संजू सैमसन, केएल राहुल एंड निकोलस पुरन, यशस्वी जायसवाल, मार्कस स्टोनिस भी हो जाएंगे लेना चाहिए। एंड देखिए इस विकेट पर हम स्पेशली बता दिया कि जितने भी बैट्समैन हैं ना इन्हीं को आप यहाँ पे कप्तान एनवासुद्दीन पे रिस्क लेके जाएगा। बॉलर्स पे रिस्क लेना है तो सिर्फ संदीप शर्मा या फिर ट्रेंट बोल्ट जबकि टॉप ऑर्डर क्लैश कराएंगे तब। तो ये अभी मेरी स्मॉल लीग की एक टीम रहने वाली है। अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे ग्रैंड लीग की टीम की, तो ओ जस्ट अ सेकंड, तो आप प्लेयर्स की स्टैट समझ गए होंगे, तो आगे उतना कुछ डिस्कशन करना नहीं है, सिर्फ टीम्स देख लीजिए एंड कॉम्बिनेशंस देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, केएल राहुल को लिए हैं, संजू सैमसन को लिए हैं, जो कि दोनों काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, दोनों अभी टेबल टॉप थ्री में चल रहे हैं रन के स्कोर में। जॉर्ज बटलर को ड्रॉप किए हैं तो ड्रॉप किए हैं, निकोलस पुरन काफ़ी अच्छे ऑप्शन रहेंगे, क्विंटन डिकॉक को हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रेंट बोल्ट आउट करें तो उसी कारण हम यहाँ पे ड्रॉप किए हैं इनको। उसी के साथ अगर बात करें यहाँ पे बैटिंग सेशन में, देखिए यशस्वी जायसवाल को हमने लिया है, आयुष बदौनी को रिस्क लिए हैं, आप चाहे तो यहाँ पे दीपक हुडा के साथ जा सकते हैं जो कि इनसे एक डाउन पहले मेंशन किए गए हैं, लेकिन हम आयुष बदौनी के साथ ही जाना चाहेंगे, उनका फॉर्म अभी फिलहाल अच्छा दिख रहा है और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। ऑलराउंडर सेशन की बात करें तो देखिए तीन मैंने प्लेयर्स यहाँ पे रखे हैं एंड कुणाल पांड्या पे यहाँ पे आप चाहें ना तो रिक्स लेके किसी और के साथ जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम टीम में रखे हैं, लास्ट तक में देखेंगे क्या करना है, आगे आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इनको जरूर टीम में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर मिडिल ओवर्स में ये आ गए ना बैटिंग करने 15-16 ओवर में तो ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे आपको देख चल जाएंगे। उसी के साथ बात कर ले बॉलिंग सेशन में, तो यशस्वी जायसवाल है यहाँ पे मेरे साथ और
संजू सॉरी संदीप शर्मा है जो कि प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, उसी के साथ यहाँ पे अवेश खान है। एंड उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे आप अगर चाहें ना रोटेशन करना चाहें ना तो यहाँ पे आप यश ठाकुर के साथ जा सकते हैं, प्लेयर ये भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अब यहाँ पे फेवर कर रहे हैं किसको, राजस्थान रॉयल्स को, तो हम उन्हीं हिसाब से यहाँ पर जाना पसंद करेंगे। कप्तान बता रहे इस कॉम्बिनेशन में सबसे बेस्ट रहने वाले हैं संजू सैमसन, केएल राहुल भी थोड़ा सा रिस्की जाएगा लेकिन प्लेयर ये भी काफ़ी अच्छे हैं, उनको टीम में बैक कर सकते हैं। मार्कस स्टोइनिस यहाँ पे, ये रेहान पराग, वीसी के लिए सबसे अच्छे ऑप्शन ये एंड ये रहने वाले हैं। बॉलिंग में वीसी जरूर रखिएगा, देख सकते हैं। आगे बात करें थर्ड जो टीम है उसमें, इसमें इजीली यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स को फेवर किए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, देखो संजू सैमसन, जॉस बटलर एंड निकोलस पुरन, तीन जिसमें से दो राजस्थान के प्लेयर हैं जो कि दोनों टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं। एंड यहाँ पे हम यहाँ पे लखनऊ का टॉप ऑर्डर क्लैश कराए हैं जो कि क्विंटन डिकॉक एंड केएल राहुल को ड्रॉप करके लिए हैं। निकोलस पुरन आएंगे बैटिंग करने, काफ़ी दमदार पारी खेले दे सकते हैं, तो कप्तान के लिए इसमें बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। उसके साथ बात करें हमें बॉलिंग सेशन में, तो देखिए यहाँ पे सॉरी बैटिंग सेशन में जयसवाल है, जयसवाल को चाहे ना आप इसमें कॉम्बिनेशन में ड्रॉप करके जा सकते। ऑलराउंडर सेक्शन की तो रियान पराग और मार्कस स्टोइनिस दोनों एक डिफॉल्ट पिक रहने वाले हैं। आप चाहें तो लखनऊ यहाँ पे हुडा को ड्रॉप करके आप यहाँ पे कुणाल पांडे के साथ जा सकते हैं। बात करें बॉलिंग सेशन में तो यशवी जयसवाल, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा एंड यहाँ पे एम हेनरी, ये एक चीज़ है जो कि हम आपको बताना भूल गए थे। एम हेनरी भी प्लेयर ये भी काफ़ी खतरनाक है, अभी थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं लेकिन प्लेयर ये काफ़ी अच्छे हैं, टीम में बैक करिए, टीम रहने वाली है। अगर यहाँ पे देखिए वीसी एंड सीबीसी की हम बात बता दें तो स्पेशली इसमें यहाँ पे निकोलस पुरन हो जाएंगे, आयुष बदौनी पे वीसी जा सकते हैं क्योंकि बैटिंग डाउन थोड़ी नीचे है एंड टॉप ऑर्डर क्लैप्स कर रहे हैं तो इनकी बैटिंग ऊपर आ सकती है, जिसके कारण ये काफ़ी अच्छा पॉइंट्स उठा के दें। वीसी के लिए जरूर एक बार इन पर रिस्क लीजिएगा, मेरा मन तो कह रहा हूँ तो इस पर वीसी के रिस्क लेने वाले हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं, प्लेयर ये काफ़ी अच्छे हैं। संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, ये दोनों इसमें कप्तान या फिर वाइस कप्तान के रिस्क लेने वाले हैं क्योंकि देखिए ये आउट हुए सॉरी टॉप ऑर्डर क्लैप्स हुआ, कौन करेगा तो संदीप शर्मा या फिर ट्रेंट बोल्ट ही करेंगे एंड स्पेशली यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट का ही चांस ज़्यादा है कि टॉप ऑर्डर क्लैप्स कराएं लखनऊ का। तो अभी फिलहाल ये टीम रहने वाली है, थर्ड टीम मेरी। एंड देखिए इसके बाद जो भी अपडेट होने वाला है ना वो डायरेक्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिलहाल यही मेरी तीन टीम्स है यही मेरी टीम्स है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई अपडेट होता है तो आपको शॉर्ट्स के रूप में कवर कर लेंगे या फिर टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे।